हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं देसी मसाला ऑमलेट। यहाँ पे हमने अपने अंडे ले लिए हैं और भी बहुत सारे अंडों को हम पहले तोड़ लेंगे और फिर इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे, खूब सारी वेजीज डालेंगे। ये हम प्याज को काट लेंगे छोटे छोटे क्यूब साइज़ में ऑमलेट में डालने के लिए। हमने ऑमलेट के लिए हरी मिर्ची ले ली है, हम इसको चॉप कर लेंगे अच्छे से, पतली सी छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे ऑमलेट में डालने के लिए। ऑमलेट में हम अपने एक शिमला मिर्ची भी डालेंगे क्योंकि ये देसी मसाला ऑमलेट है, इसमें वेजीज ज़्यादा जाएगी। यहाँ पे हमने टमाटर ले लिया है, अपने देसी मसाला ऑमलेट में टमाटर को भी डालेंगे, इसको भी पतले पतले हम चॉप कर लेंगे। यहाँ पे सारी वेजिटेबल हमने काट ली है, पतली पतली चॉप कर ली है। ये प्याज ली है, हरी मिर्ची ली है, शिमला मिर्ची ली है, टमाटर ली है। अब हम इसको अंडे में डालेंगे। ये सारी वेजीज अब हमारे अंडों में आ जाएगी और इसमें थोड़े से मसालों का भी टचअप देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी इसमें रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से फैट लेंगे, मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम कोरिएंडर ऐड कर लेंगे। अंडे का बैटर पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे पैन ले लेंगे, गैस पे पैन रख दें, इसमें हल्का सा ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें अंडे के बैटर को डाल देंगे, पूरे में अच्छी तरह से फैला देंगे। लुकिंग वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। इसको अच्छे से पूरी तरह फैला देंगे। अब हम इसको तवे पे ऐसे ही 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। आमलेट को हमने पलट दिया ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाए और 5 मिनट के लिए और छोड़ देंगे इसको ऐसे ही। तो ऑमलेट पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और पहले थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे सारी वेजीज ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो रेडी है हमारा देसी मिक्स मसाला ऑमलेट। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।